कल हम लोगों ने इस असाइनमेंट को आप सब लोग के साथ साझा किया था। हम लोग पिछले कुछ दिनों से चैतन्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस प्रक्रिया में हम लोगों ने कल्पनाशीलता अर्थात डू टू ब्लॉक पर ध्यान देने का काम किया था पिछले कुछ दिनों से, कि हम जो भी बाहर व्यवहार कार्य कर रहे हैं वो हमारी कल्पनाशीलता में जो कुछ चल रहा है उसी का कुछ भाग बाहर व्यवहार कार्य में ही व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उससे बहुत अधिक हमारी कल्पनाशीलता में चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जब से आप इस कल्पनाशीलता को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इस बात को देख ही पा रहे होंगे। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसके साथ हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि जो कल्पनाशीलता में चल रहा है उसका सोर्स क्या है। कोई मान्यता जो हमने बना रखी है बिना जांचे किसी चीज को मान लिया है वो मान्यता है, कोई मान्यता है, कोई आधार जो उसके आधार पर मैं सहज कल्पनाशीलता को चला रहा हूँ, या किसी संवेदना के आधार पर चला रहा हूँ, या मेरी सहज स्वीकृति। पर तीसरा बिंदु हम लोगों ने ये भी तय किया था कि जो भी हमारी कल्पनाशीलता है जब ये सहज स्वीकृति के आधार पर चल रही है तो मैं हारमनी में हूँ कि डिसहारमनी में हूँ, और जब ये मान्यता और संवेदना से चल रही है तो मैं हारमनी में हूँ कि डिसहारमनी। स्टेप का ये निष्कर्ष था कि जब भी हम सहज स्वीकृति को ध्यान देकर उसको उसके आधार पर अपनी कल्पनाशीलता को चलाते हैं तो हम निश्चित तौर पर हारमनी में ही रहते हैं, लेकिन जब भी संवेदना या मान्यता आधारित कल्पनाशीलता चलाते हैं तो हमें हारमनी ही हो जरूरी नहीं, एक्साइटमेंट भी हो सकता है और कंट्राडिक्शन भी हो सकता है, ये दोनों ही स्थिति हारमनी की स्थिति नहीं। फिर हम लोगों ने इसके और जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उसको समझने का काम किया, तो चयन आस्वादन को समझा, तुलन विश्लेषण को समझा, चित्रण की क्रिया को समझा, और ये सब मिलकर कैसे पांचों क्रियाएं चल रही हैं उसको समझा, उसी को कल्पनाशीलता के। फिर पिछले कुछ दिनों से B1 ब्लॉक पर भी बातचीत शुरू हुई कि जो सहज स्वीकृति है संबंध की व्यवस्था की सह अस्तित्व की, उस पर ध्यान देते हैं संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व पर। तो ये ध्यान जाता है कि स्पेस है, इकाइयां है, इकाइयां शून्य के सह अस्तित्व में, स्पेस के सह अस्तित्व में ऊर्जित है, व्यवस्थित है, परस्परता में संबंध को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। तो इकाइयां शून्य के सह अस्तित्व में है, यह अनुभव की क्रिया में स्पष्ट होता है। हम सहअस्तित्व पूर्वक जीने का जो एक नेचुरल डिसीजन बनाते हैं उसी को प्रमाण क्रिया कह रहे हैं। फिर ये ध्यान जाता है कि अनंत इकाइयां हैं, चार वर्गों में, चार उसमें ग्रुप में हमने बांट रखा है अपने समझने के दृष्टिकोण से। इकाइयां तो अनंत हैं, तो चार इकाइयों को देखने जाए तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, हर इकाई भी अपने आप में एक व्यवस्था है और अन्य इकाइयों के साथ एक व्यवस्था को बनाए हुए, बड़ी व्यवस्था को बनाए हुए है, अन्य इकाइयों के साथ भागीदारी करते हुए। तो दिखता भी है अगर देखने जाए तो कि बाकी की तीन अवस्थाएं आपस में परस्पर पूरकता पूर्वक निर्वाह करते हुए इस व्यवस्था को बनाई हुई, मानव के साथ भी परस्पर पूरकता का निर्वाह कर रही है, मानव भी उनके साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह करना ही चाहता है। अगर उस व्यवस्था को समझ जाता है तो निर्वाह कर पाता है, नहीं समझ पाता है नहीं कर पाता है। ये जो एक एक इकाई की व्यवस्था की स्पष्टता हुई और इस बड़ी व्यवस्था की स्पष्टता हुई, ये हमको बोध की क्रिया में हुई। अब हमने व्यवस्था में जीने का एक नेचुरल डिसीजन बनाया, उसी को संकल्प क्रिया कह रहे हैं। फिर इस बड़ी व्यवस्था में हमारी क्या भागीदारी है उसको हमने समझने का काम किया। तो दूसरे मानव के साथ सम्मान पूर्वक जीना मेरी भागीदारी है, विश्वास सम्मान स्नेह पूर्वक जीना मेरी भागीदारी है। तो जो मेरी ये निश्चित भागीदारी है इस बड़ी व्यवस्था में जीने का, उसको समझने का प्रयास किया अपने में, तो उसको चिंतन की क्रिया में हमारी वो निश्चित भागीदारी स्पष्ट। अब एक बार मुझे सअस्तित्व का अनुभव हुआ, व्यवस्था का बोध हुआ और संबंध में अपनी निश्चित भागीदारी का स्पष्टता हुआ, अब मैं जो भी आगे परस्परता में जीने के लिए कल्पनाशीलता में चित्रण करता हूँ, वो चित्रण जो मेरी निश्चित भागीदारी है अब उसी अर्थ में करता हूँ, इससे मेरा चित्रण अब निश्चित होता है, संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व के अर्थ में होता है। अब उसी के आधार पर व्यवहार और उसी के आधार पर विचार में विश्लेषण तुलन करता हूँ, उसी के लिए चयन आस्वादन करता हूँ और उसी को बाहर व्यवहार कार्य में व्यक्त करता हूँ। जब उसको व्यवहार में व्यक्त करता हूँ तो उससे उभय सुख होता है और अखंड समाज के तरफ की हमारी कल्पनाशीलता, अखंड समाज की एक मानसिकता बनती है और हम उस अखंड समाज के साथ जीने का, अखंड समाज के अर्थ में जीने का क्रम शुरू करते हैं। और जब हम ये कार्य में उसको व्यक्त करते हैं तो इस प्रकृति के साथ, तो उसे उभय समृद्धि होती है।
बाहर जो बड़ी व्यवस्था है उसमें सब भागीदारी करते हैं, तो मानव लक्ष्य की तरफ ध्यान जाता है, फिर एक एक लक्ष्य के लिए पांचों आयामों पर ध्यान जाता है, फिर उसकी पूर्ति के लिए कुछ कुछ आयामों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। उससे जो व्यवस्था में हम भागीदारी कर रहे हैं उससे चारों मानव लक्ष्य को पूरा होने में की दिशा में बढ़ पाते हैं, जिससे धीरे धीरे सार्वभौम मानवीय व्यवस्था की स्थिति हमको भी स्पष्ट होती है और हम उस तरफ अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाते हैं। और फिर उस पूरी स्पष्टता को जो हमने हुई अनुभव स्वस्तित्व का अनुभव व्यवस्था का बोध और व्यवस्था में निश्चित भागीदारी, इसकी जो स्पष्टता हमने हुई उसको फिर हम अगली पीढ़ी को भी शिक्षा संस्कार के माध्यम से कराने का प्रयास करते हैं, उसका भी ध्यान जाता है अपने भीतर अपने में। जब उसको भी स्वस्तित्व व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी की स्पष्टता होती है तो वो भी अपने कल्पनाशीलता के ब्लॉक को एक तरह से ठीक कर पाता है, संबंध व्यवस्था अस्तित्व के अर्थ में कर पाता है और वो भी व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी हारमनी के अर्थ में कर पाता है, वो भी व्यवस्थित होकर स्वयं में जी पाता है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी खंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की ओर अगली पीढ़ी भी चलने के लिए उस तरफ गति करने के लिए तत्पर हो पाती है, इसकी एक मानवीय परंपरा भी बनती है। इस पूरे मुद्दे पर हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से चर्चा किया है, से संबंधित कुछ अभ्यास भी आपके साथ साझा किया गया था, तो इस पर यदि आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं तो आपके ऑब्जर्वेशन को सुनते हैं, फिर इससे जुड़े हुए जो भी आप लोगों के प्रश्न होंगे उन पर भी। ये जो 21 मई का हम लोगों का असाइनमेंट है इस पर अगर किसी का कोई ऑब्जर्वेशन या प्रश्न है तो हम लोग बात कर लेंगे। सर, मेरा प्रश्न ये है कि स्वयं में हम कैसे जांचे कि जानने की प्रक्रिया और मानने की प्रक्रिया, ये क्या प्रक्रिया है जानना और मानना, और जानना और मानना किस स्थिति को हम देखते हैं अपने में स्वयं में, इसको भी अगर क्लैरिटी हो जाए तो। लास्ट लाइन क्या कहा आपने? जानने और मानने की क्या ये प्रक्रिया है जो स्वयं में हम इसको जांचे और परखे, तो कैसे परखेंगे हम? जी, तो अगर आप अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान दे रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि आपकी कल्पनाशीलता में बहुत कुछ चल रहा है, कभी संबंध चल रहा है, कभी विरोध चल रहा है, कभी स्नेह चल रहा है, कभी द्वेष चल रहा है, इस तरह से बहुत सारी चीज आपकी कल्पनाशीलता में चल रही है। जी तो कल्पनाशीलता में जो चला रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति के साथ हमको सम्मान के भाव से प्रस्तुत होना है कि अपमान के भाव से प्रस्तुत होना, स्नेह के भाव से कि द्वेष के भाव से, ये सब मैंने कल्पनाशीलता में भाव के स्तर पर कुछ निर्णय लिया हुआ है उसी के आधार पर विश्लेषण तुलन कर रहे हैं, चयन आस्वादन कर रहे हैं। तो देखेंगे तो दूसरे व्यक्ति के साथ पहचानना निर्वाह करने का ये जो काम कर रहे हैं पीक्यू ब्लॉक में, जी उसके बेस में मानने की क्रिया है। अगर हमने ये मान रखा है कि ईंट का जवाब पत्थर देने से ही दूसरा ठीक होगा तभी व्यवस्था बन सकती है, तब तो प्रॉब्लम है, समस्या। तो फिर हम पहचानना निर्वाह करना उसी आधार पर करते हैं, विरोध को विरोध से है ना, द्वेष को द्वेष से हैंडल करने के लिए कल्पनाशीलता को इन्वेस्ट करते हैं और वैसा ही व्यवहार कार्य बाहर करते हैं। जी ये जी मानना हम अपने भीतर है कि नहीं इसको देख सकते हैं, हाँ जी उस मानना को हमने जांच कर बना रखा है कि बिना जांचे बना रखा है, अर्थात जानने के आधार पर हमारा मानना है कि बिना जाने। तो हम होश पूर्वक देखें कि जब भी हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की कल्पनाशीलता चलाते हैं, जब भी हम उसको फैलाते हैं अपनी कल्पनाशीलता में, हम उस समय हार्मनी में रहते हैं कि डिसहार्मनी में रहते हैं। और जब भी उस मान्यता के आधार पर कल्पनाशीलता चला के बाहर व्यवहार कार्य करते हैं, उस समय हम हार्मनी में रहते हैं कि डिसहार्मनी में रहते हैं। और फिर दिखता है कि उसको जब भी हम अपनी कल्पनाशीलता में फैलाते हैं, हम खुद डिसहार्मनी में जाते हैं, बाहर उसको व्यक्त करते हैं, बाहर भी डिसहार्मनी होती है। तो फिर अपने भीतर में रिफ्लेक्ट करता हूँ कि जो मैंने मानना बना लिया है, ये मेरे को स्वीकार है क्या, मेरे को सहज रूप से स्वीकार है क्या, या दूसरों के दबाव और प्रभाववश ही मैंने इस मान्यता को अपने भीतर होल्ड कर मतलब बना रखी। तो मैं दूसरे के प्रभाव और दबाव से अपने आप को थोड़ा मुक्त करते हुए सीधे सीधे अपने से पूछता हूँ कि सहज रूप से मुझे क्या स्वीकार है, दूसरे के साथ संबंध का भाव या विरोध का, बिना अभी दूसरे किसी व्यक्ति विशेष को सामने लाए, उसका कोई दबाव या उसका कोई प्रभाव अपने सामने लाए, सहज रूप से सिर्फ अपने आप से पूछता हूँ
कि मुझे क्या सहज रूप से स्वीकार, संबंध या ध्रुव। तो अपने भीतर से कुछ उत्तर मिलता है आपको इस पर? तो सहज से हम लोग जो डिसीजन लेते हैं वही सही रहता है, वही नेचुरल एक्सेप्टेबल है। तो जब भी आपको वो उत्तर मिलता है, अगर 10 बार भी आप उस प्रश्न को अपने आप से पूछें, तो वही उत्तर मिलता है सहज स्वीकृति से कि बदलता रहता वही उत्तर मिलता है, वो तो हम है? अभी मिलता है, अभ्यास से हम लोगों को वो उत्तर मिला है ना सर, वो तो हम लोगों ने हाँ, लेकिन अभ्यास वो से। अभ्यास से वो उत्तर आपके भीतर नहीं गया है, वो उत्तर आपने पहले से बना हुआ है, आपने सिर्फ उस पर ध्यान दिया है तो आप उसको देख पा रहे हैं। तो और इस सर अभ्यास से जानने, आपको संबंध, इसको पूरा कर दो, इस अभ्यास से ये नहीं हुआ है कि आपको संबंध पूर्वक जीने का आपकी वो बनाई जाए, मानने को सेट किया जाए, या आपके उसमें चिंतन में उसको सेट किया जाए, वो पहले से बना हुआ है, सिर्फ आप अपने आप से पूछ रहे हैं। तो पूछने की क्रिया आप इस अभ्यास में कर रही हैं, लेकिन संबंध पूर्वक जीने का जो आपकी सहज स्वीकृति है, वो तो जिन लोगों ने वर्कशॉप नहीं भी किया है, मॉर्निंग सेशन नहीं भी लगा रहे हैं, उनमें भी बना हुआ है, बस वो उसको रिफर नहीं कर रहे हैं, जैसे हम आप नहीं कर रहे थे, है ना। तो ये जिस क्षण आपने अपने आप में ये पूछा कि मुझको संबंध पूर्वक सहज स्वीकार है, कि विरोध पूर्वक जीना सहज स्वीकार है, व्यवस्था सहज स्वीकार है कि अव्यवस्था सहज स्वीकार है, सास्तित्व सहज स्वीकार है कि संघर्ष सहज स्वीकार है, पर जिस क्षण आपको अपने भीतर दिख रहा है कि नहीं मुझे तो यही सहज स्वीकार, उस क्षण आप में कोई शंका नहीं रहता कि नहीं नहीं विरोध भी ठीक हो सकता है, उस क्षण तो निश्चितता के साथ दिखता है कि यह संबंध ही ठीक, व्यवस्था ही ठीक, सास्तित्व तो ही ठीक है, उसमें रत्ती भर का भी आपको डाउट नहीं होता। जी तो वो जो अपने भीतर उस क्षण दिख रहा है, वो जानने की क्रिया हो रही है अपने, तो उसके आधार पर मैं अपने मानने को ठीक करता हूँ, और फिर उसको आधार बना के अपने कल्पनाशीलता को फैलाता हूँ, और बाहर पहचानना निर्वाह करना करते हुए व्यवहार कार्य करता हूँ, भीतर भी पहचानना निर्वाह करना करता हूँ कल्पनाशीलता में, और बाहर भी। अच्छा, तो तो इस सर तरह से ये वो, जो जानने की क्रिया है वो भी ऑलरेडी कॉन्शियस में है ही है। हाँ, क्रिया तो है ही, जानने की हाँ भी है ना, मानने की भी, जी, पहचानने निर्वाह करने की भी, ये चारों क्रियाएं सेल्फ में है ऑलरेडी है, हम लोग उसको जी। प्रेफर नहीं करते है ना, ये बात वही पॉइंट है ना। तो, पहचानना निर्वाह करना तो सेल्फ में चल ही रहा है, आप हाँ जी, देखेंगे तो अपनी हाँ कल्पनाशीलता में किसी के साथ विरोध के अर्थ में, किसी के साथ संबंध के अर्थ में, किसी के साथ स्नेह, किसी के साथ द्वेष के अर्थ में कल्पनाशीलता तो चला ही रही है, तो ये जी पहचानना निर्वाह करना तो चल ही रहा है, उसके जी पीछे कोई ना कोई आपने मानना बना ही रखा है ना। तो सर इसमें मान, एक प्रश्न और बस है थोड़ा, एक एक प्लीज। मिनट, अब वो जो मानना आपने बना रखा है, या जी तो जी आपने जान करके, जानने की क्रिया करके बना रखा है, या बिना जाने बना रखा है ना। तो इस तरह तो से ये जाना, जब चारों, तो पहले मानना है ना फिर जाना। वही तो, दोनों ही स्थिति हो सकती है, आप सीधे सीधे मान भी सकते हैं और जान करके भी मान सकते हैं। तो आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजों को आपने जाना है, जांचा है, फिर माना है, बहुत सारी चीजों को बिना जांचे मान लिया है, तो जिनको बिना जांचे मान लिया है वो बिना जाने मानना हुआ, लेकिन जानने का पोटेंशियल आप में है, जब भी उन मानने पर भी, जो भी मान्यता आप में बनी हुई है बिना जांचे, जब भी आप उसको जांचने का प्रयास करेंगे, जांच ही लेंगे, क्योंकि तो जानने का जो पोटेंशियल है वो आप है। हाँ सर, एक क्वेश्चन हो रहा है, जब हम निर्वाह करने और पहचानने में होते हैं तो तब हमारी सिचुएशंस कुछ ये भी हो सकती है कि हम उस टाइम एनिमल कॉन्शियस को प्रेफर कर रहे होते हैं, वो मानना और जानने तक आते हैं तो ह्यूमन कॉन्शियस को हम अलाउ कर देते हैं ये दोनों चीजें। तो अगर हम इस तरीके से भी बच्चों को समझाएं तो ये क्या सही है वर्ड? मुझे लगता है पहले अपने भीतर देखने का काम ज्यादा प्राइमरी काम है, बच्चों को तो जो समझाने का काम है वो हम करेंगे ही, तो अगर हाँ जी देखें तो पहचानना निर्वाह करना है ना, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, और क्या कहते हैं, ये मटेरियल में भी, जो ये हमारे पत्थर है, लोहा है, उन सब में भी पहचानना निर्वाह करना चल ही रहा जी है ठीक ना। है सर। तो पेड़ की जड़ें धरती के साथ पहचानना निर्वाह करना कर ही रही, कहीं लोहे का टुकड़ा है वो पानी के साथ पहचानना निर्वाह करना कर ही रहा है जी ना। हाइड्रोजन क्लोरीन को देखें तो उसके दोनों अणु एक दूसरे के साथ पहचानना निर्वाह करना कर ही रहे हैं, तो ये पदार्थ अवस्था में भी चल रहा है, प्राण अवस्था में भी चल रहा है, जीव अवस्था में भी पहचानना निर्वाह करना चल रहा है, घास के हाथ एक तरह से पहचानना निर्वाह, सूखी घास की तरह से दूसरे तरह का पहचानना निर्वाह करना चल ही रहा है। पशुओं में देखेंगे तो पशुओं के सेल्फ में मानने की क्रिया भी है,
घर में किसी आदमी ने पशु को पाल रखा है तो उसे मालिक मान लेता है, या अपना कुछ उसके साथ मानने का एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग बना लेता है। आप लात मारते रहिए तो आप कुछ नहीं कहेगा, आप ही की तरह का कोई दूसरा आदमी पड़ोस से गुजरेगा तो देख के भौंकने लगेगा, काट भी सकता है। तब वो आपके बारे कुछ और मानने लगा है, दूसरे मानव के बारे कुछ और मानने लगा है। जी तो पशुओं के सेल्फ में ये मानने की क्रिया भी दिखती है। आदमी में देखें तो पहचानना, निर्वाह करना और मानना, मानव में ये तीनों क्रिया तो दिखती ही दिखती है, लेकिन एक जानने की क्रिया भी आदमी में दिखती है। तो मानव के सेल्फ में ये चारों दिखता है। बस ये हो सकता है कि जो मानना है वो जान के करे या बिना जाने कर ले, है ना। लेकिन एनिमल कॉन्शियसनेस में देखें तो उसमें भी पहचानना, निर्वाह करना और मानने की क्रिया तो है ना। जी पदार्थ अवस्था प्रावस्था में भी पहचानना, निर्वाह करना है। धन्यवाद सर मधु अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से हैं। नमस्ते जी। नमस्ते भैया, पर। नमस्ते सभी को। भैया ये रियलाइजेशन जो है B1 लॉ का, क्या वह हम जान के मान के और जो निर्वहन करते हैं वही है या कुछ और है, या फिर वो जो हमारे आदत में शुमार हो जाता है कि हम अनायास ही वही काम दोहराते हैं, क्या वह रियलाइजेशन है या कुछ और है? भैया इसको स्पष्ट कर दे। चलो, तो अनायास ही जो हम कई बार कामों को जो दोहराते रहते हैं, वो तो जी हमारे मानना के आधार पर जो मान लिया है उसको पहचानने, निर्वाह करने में व्यक्त करते रहते हैं, है ना। लेकिन अब अपने तरफ रिफ्लेक्ट करके हमारा किसी पहचानने, निर्वाह करने के पीछे क्या मान्यता है उसको अगर अपने में देखना है, तो ये जो बाहर देखने का इतना अभ्यास है, उस अभ्यास को अपने भीतर करना पड़ता है कि मेरी कल्पनाशीलता में इस समय कुछ चल रहा है, भले दुनिया के किसी और आदमी को वो दिखे या ना दिखे, मुझे तो दिख ही रहा है ना कि मैं अपनी कल्पनाशीलता में इतना कुछ किसी के साथ निर्वाह करने के अर्थ में फैला रहा हूँ कि मैं जी उसके जी साथ ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। मेरी कल्पनाशीलता में वो चल रहा है, वो मैं देख पाता हूँ। मैं ये भी देख पाता हूँ कि उसमें संबंध चल रहा है कि विरोध चल रहा है, स्नेह चल रहा है कि द्वेष चल रहा है। और ध्यान पूर्वक मैं अपने भीतर और थोड़ा अभ्यास करूँ, और थोड़ा मेहनत करूँ देखने का, तो ये भी देख सकता हूँ कि वो किस मान्यता से ऑपरेट होकर पूरी कल्पनाशीलता चल रही है। तो ये जो मान्यता है ना, उस पर आधारित कुछ कल्पनाशीलता में चला रहा हूँ, कुछ मान लिया है मैंने, ये जरूर उसमें अनायास ये एक अभ्यास रहा है मानने के आधार पर जीने का। मानने से पहले जानने का अभ्यास नहीं रहा है, इसलिए मानना बहुत सारा ऐसा हो गया है जो बिना जाने। तो अब हम वापस उस अभ्यास को ठीक कर रहे हैं कि जो पहले से मान लिया है बिना जाने, उसको होश पूर्वक अपने भीतर देख लें और जांच लें कि वो हमें सहज स्वीकार है कि सहज स्वीकार अर्थात अस्तित्व के अर्थ में है कि नहीं, व्यवस्था के अर्थ में है कि नहीं, संबंध के अर्थ में है कि नहीं। ये जो अस्तित्व के अर्थ में देख रहा हूँ, धीरे धीरे अपने B1 ब्लॉक में अनुभव के स्तर तक ऑपरेट होने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो व्यवस्था के अर्थ में है या नहीं इसको जब देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे अपने अंदर ये जो बोध की क्रिया है उसमें जागृत होने की कोशिश कर रहा हूँ। ये संबंध के अर्थ में है कि नहीं, तो संबंध क्या है, संबंध में क्या निश्चित भागीदारियां हैं, और ये उस भागीदारी के अर्थ में है कि नहीं, ये चिंतन की क्रिया में जागृत होने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उस मान्यता को जानने के अर्थ में, संबंध व्यवस्था स्वास्थ्य के अर्थ में है या नहीं ये देखने के क्रम में, मैं अपने भीतर ये चिंतन, बोध और अनुभव की क्रिया में जागृत होने का एक प्रयास कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इसके प्रति होश में आ पाता हूँ, अपने हर मानना को जांच पाता हूँ कि वो संबंध व्यवस्था अस्तित्व के अर्थ में है या विरोध, अव्यवस्था और संघर्ष के अर्थ में। तो धीरे धीरे मेरे अंदर जानने की क्रिया भी, वो भी मैं अभ्यास में ला पाता हूँ और अपने मानने को उसके आधार पर निश्चित करता हूँ, और फिर उसके आधार पर व्यवहार कार्य करता हूँ, पहचानने, निर्वाह करने के आधार पर कल्पनाशीलता में भी फैलाता हूँ और बाहर व्यवहार कार्य करता हूँ। इतनी प्रक्रिया है भैया। जी भैया, जैसे सही समझ का आधार स्वाभाविक स्वीकृति है, तो उस तरह रियलाइजेशन का कुछ इस तरह का है जिससे हम ये। स्वाभाविक स्वीकृति का ही एक भाग है भैया। तो स्वाभाविक अच्छा स्वीकृति सहज स्वीकृति है, उसमें संबंध व्यवस्था अस्तित्व की तीनों की ही सहज स्वीकृति है या नहीं आप जांच के देख लें, अच्छा तो उसी का एक भाग है।
बी वन ब्लॉक का ही पूरा रिफ्लेक्शन हमको सहज स्वीकृति के रूप में अपने भीतर दिखता रहता है। जी भैया, हाँ स्पष्ट हुआ, आभार भैया। भैया मैं कई बार सहज स्वीकृति को देखने जाती हूँ तो मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि सहज स्वीकृति और प्री कंडीशनिंग को लेकर। जैसे मुझे लगता है कि कई चीजें ऐसी हैं जिनके लिए शायद मेरे अंदर सहज स्वीकृति रही होगी, लेकिन सहज स्वीकृति के कारण जब जब मैंने उस कार्य को किया है और किसी ने बार बार उसको गलत ठहराया है तो वो प्री कंडीशनिंग के आधार पर अब जब भी वो कार्य करने जाती हूँ तो लगता है कि गलत कर रही हूँ। तो मतलब कई जगह पे ऐसा लगता है कि सहज स्वीकृति और प्री कंडीशनिंग जो है वो ही सहज स्वीकृति में बदल गई है, या मतलब वहां पे क्लैरिटी नहीं होती कि सहज स्वीकृति है या प्री कंडीशन है। ऐसे ही मैं कई जगह पे देखने को मुझे मिलता है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए कहेंगे तो जैसे मैं बता दूं कि बचपन से हम मतलब जो एक सहज, जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी प्री कंडीशनिंग नहीं होती है, तब हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो सहज रूप से कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे धीरे धीरे आपको बड़े लोग कहने लगते हैं कि ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है, और फिर वो धीरे धीरे इतने गहरे संस्कार हो जाते हैं कि आज अगर वो सहज स्वीकृति के आधार पे मुझे लगता है कि ये मेरी सहज स्वीकृति के विपरीत है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को नहीं कर पाती हूँ, मेरी सहज स्वीकृति जो है वो मुझे गलत लगती है और मेरे जो संस्कार हैं वो मुझे सही लगते हैं। तो दो बातें कहूंगा आपके प्रश्न के संदर्भ में। एक तो क्या सही है क्या सही नहीं है, उसको मैं बिना दूसरों के उसके खुद तय कर सकती हूँ कि नहीं, एक प्रश्न ये। तो दूसरे किसी चीज में सहयोग कर रहे हैं किसी चीज में विरोध कर रहे हैं ये बाहर की एक स्थिति है, तो अगर मैं बाहर की स्थिति का रेफरेंस न भी बनाऊं तो मैं अपने आप में तय कर सकती हूँ कि नहीं मुझे क्या सही लग रहा है, मेरे लिए क्या सही। अभी चूंकि बहुत सारा, अभी जो ठीक इससे पहले बात हो रही थी कि हमारे भीतर एक मानना बन गया है कि सही गलत क्या है वो तो लोगों के व्यू से तय होगा, ये भी एक तरह का मानना है। तो मैं बिना इस मानना को भी मैं अपने भीतर जांच सकता हूँ कि नहीं कि ये मानना सही है कि नहीं। तो उसके लिए अगर मैं कहूँ तो आप जब भी अपने अंदर किसी भाव को देख रहे हैं, किसी भागीदारी को के बारे जो भी बना रखी है मानना, तो भी आपका भाव है, आप उस पर प्रश्न पूछ के देखिए अपने आप से, आपको बिना दूसरे के प्रभाव में, बिना दूसरे, दूसरा क्या कहेगा उसके दबाव, हम दोनों को ही उसका प्रभाव दबाव हटा दें और सीधे अपने आप से पूछें कि प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से इसमें आपको क्या सहज स्वीकार, ये सहज स्वीकार है या ये सहज स्वीकार है। तो बड़ों का सम्मान करना बचपन से हमको सिखाया जाता है, उसका अभ्यास कराया जाता है, 25 साल हम अभ्यास करते हैं और हमको सही भी लगता है। इसी पॉइंट ऑफ टाइम में आप अपने आप से उसको पूछ के देखिए कि बड़ों का सम्मान करना आपको सहज रूप से स्वीकार है, या इस तरह से कहूँ सिर्फ बड़ों का सम्मान करना आपको सहज स्वीकार है या सभी का सम्मान करना आपको सहज स्वीकार है, क्या उत्तर आता है दीदी? सभी का सम्मान करना। अब आपकी 20 साल 40 साल की जो भी ट्रेनिंग हुई है बड़ों का सम्मान करने का बचपन से लेके अब तक, वो इस उत्तर को ढूंढने में बाधक नहीं बनता है। आप सीधे सीधे क्या सही है उसको अपने भीतर देख सकते हैं। बचपन से ट्रेनिंग दिया गया है बहुत सारे लोगों को कि जिंदगी में तो पैसा ही काम आता है, वही महत्वपूर्ण है, पैसा ना हो तो कोई पूछता नहीं है इस धरती पर। तो पैसे को लेकर इतने स्ट्रॉन्ग, और कितना पैसा, जितना अधिक से अधिक कमा लो, तो अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक सुविधा संग्रह करना आपको सहज स्वीकार है या समृद्ध होना सहज स्वीकार है, क्या उत्तर मिलता है आपको अपने भीतर से? समृद्ध होने का आशय आपने जो समझा था हम लोगों ने जो चर्चा की, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, परिवार की आवश्यकता हमको स्पष्ट हो और उससे अधिक हम जुटा सके, समृद्ध तो होना भैया। इस प्रश्न को दूसरे तरह से फ्रेम करो कि अधिक से अधिक सुविधा संग्रह और धन जुटाना हमको सहज स्वीकार है या अपने घर की आवश्यकता से अधिक जुटा लेना सहज स्वीकार, अपनी आवश्यकता से अधिक जुटा लेना सहज स्वीकार।
आप देखेंगे कि 20वां 40वां साल से हमारी ट्रेनिंग हुई होगी, लेकिन जो हमारे भीतर सहज स्वीकृति है वो करप्ट नहीं होती, वो बदलती नहीं है, वो हमेशा संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में बनी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है जो आप कह रहे हैं कि हम बाहर की चीजों को फोकस करके जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं तो अपने भीतर ध्यान नहीं देते कि हमारी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, जबकि वो चल तो रहा ही होता है, और जो कुछ भी चल रहा है वो किस भाव के, उसके पीछे भाव क्या है वो भी नहीं देखने का अभ्यास करते, पर वो भाव मैंने बिना जाने बना रखा है, बिना जाने मानने के आधार पर बना रखा है, या जानते हुए जानने की क्रिया करके जांच करके तब मानने में उसको सुनिश्चित किया है। ये सब मैं अपने भीतर अभ्यास नहीं करती बचपन से या अभी भी, तो ये सब अपने भीतर नहीं देख पाते कि मानना जानना ये सब कैसे चल रहा है ना, सहज स्वीकृति और मान्यता दोनों में क्या अंतर है, ये नहीं देख पाते। तो एक बात तो ये निकला कि जब भी हम अपने भीतर ठीक से जांच परख करने जाएं तो पुरानी जमा हुई मान्यताएं बहुत उस सही को देखने में बाधक नहीं बनती, नंबर वन। नंबर टू, जो प्रश्न मैंने किया था कि सही क्या है, मैं अपने में खुद तय कर सकता हूँ कि नहीं, तो आपने जो भी दो तीन प्रश्न के उत्तर दिए, उत्तर में आपको रत्ती भर का भी कहीं संदेह दिख रहा है कि ये गलत हो सकता है? नहीं, ये जरूर हो सकता है कि आप ऐसा जी पाएंगे हमेशा कि नहीं, इस पर संदेह, लेकिन ये सही है कि गलत है इस पर कोई संदेह नहीं है, आप 100% आश्वस्त होते हैं कि यही सही है, भले मैं ऐसा जी पाऊं या ना जी पाऊं, भले बाहर दुनिया के लोग ऐसा जी रहे हो या ना जी रहे हो, ये दोनों अलग बात, लेकिन सही क्या है अब उस पर कोई भी आपको शंका नहीं रह जाती है ना। और एक टेस्ट तो ये। दूसरा, जब भी आप उसको अपनी कल्पनाशीलता में अर्थात B2 ब्लॉक में फैलाते हैं, तो उदाहरण देता हूं, आप अपने गांव का, अपने मोहल्ले का सबसे अधिक पैसा वाला बनने का कल्पनाशीलता फैलाइए, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा, सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास हो जाएगा, सबसे अधिक सुविधाएं हो जाएंगी, तो कल्पनाशीलता कभी फैलाइए। और कभी अपनी कल्पनाशीलता इस बात पर फैलाइए कि मैं और मेरा परिवार बैठ के अपनी आवश्यकता को पहचान ले, फिर उसके में हमारे पास क्या है उसको हम देख लें, फिर क्या कम है उसको देख लें, फिर हम लोग अपने स्किल को इम्प्रूव करके उससे अधिक जुटा लें और समृद्धि पूर्वक सपरिवार जी सके। ये दोनों तरह की कल्पनाशीलता को आप अपने भीतर फैला के देखिए, कौन से वाले में आप हार्मनी महसूस करती हैं और कौन से वाले में डिसहार्मनी। जब समृद्धि जो है वो साथ के परिवार वालों में भी बराबर रूप से फैले। हाँ, तो जब भी आप इस सहज स्वीकृत भावों को जो आपके अंदर है, जो जानने में आ गए, उनको जब भी आप कल्पनाशीलता में फैलाते हैं, उसका पहला इंडिकेटर ये देखने मिलता है कि हम हारमोनी में महसूस करने लगते हैं। अभी बाहर वैसा जी नहीं रहे, दूसरे को पता भी नहीं है कि आप भीतर क्या कर, लेकिन सिर्फ उसको फैलाने भर से आप अपने भीतर एक हारमोनी महसूस करते हैं। दूसरी तरफ गांव में सबसे अधिक पैसा हो जाए, मोहल्ले का सबसे रिचेस्ट पर्सन में हो जाए, उसको जब कल्पनाशीलता में आप फैलाते हैं, तो जब भी आपको लगता है कि बस आप होने ही वाले, तो आप अपने भीतर एक एक्साइटमेंट महसूस करने लगते हैं। जब भी लगता है कि आप हो नहीं पाएंगे, हो भी गए तो हाँ दूसरा ओवरटेक कर लेगा, तीसरा ओवरटेक कर लेगा, तो अपने भीतर एक बेचैनी महसूस बे, करने लगते हाँ, हैं, है ना। तो ये जो सहज स्वीकार नहीं है, उसको जब हम अपनी कल्पनाशीलता में फैलाते हैं, तो कभी एक्साइटेड महसूस करते हैं और कभी डिसहार्मनी, कंट्राडिक्शन महसूस करते हैं, और ये दोनों ही डिसहार्मनी। तो दो बातें हो गई, एक तो हम सही को अपने भीतर सीधे सीधे देख सकते हैं, उसका पहला पहचान ये है कि उस उत्तर में हमको कोई शंका नहीं रहती, 100% हम निश्चित रहते हैं कि यही सही। नंबर टू, उसका दूसरा टेस्ट ये है कि जब भी हम उसे कल्पनाशीलता में फैलाते हैं, हम अपने भीतर एक हार्मनी भी महसूस करते हैं, कोई तो किसी तरह का एक्साइटमेंट या कोई है ना कंट्राडिक्शन नहीं। फिर तीसरा टेस्ट है ना कि उसको बाहर के दूसरे के साथ जीने जाते हैं, तो दूसरा अगर बहुत असामान्य हालत में नहीं है, कम से कम इस हालत में है कि आपके द्वारा व्यक्त किए गए व्यवहार को ध्यान दे सकते, तो बाहर भी हारमोनी ही रहती है, तो आप समृद्धि को ध्यान में रखकर पूरे गांव में जी रही हैं और पूरे गांव के लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि सबको समृद्ध होके जीना है, और पूरे गाँव के लोग इस बात पर ध्यान दे के जी रहे हैं कि हमको सबसे रिचेस्ट बनना है इस गाँव में, तो उस गांव की हार्मनी कौन से वाली बात से सुनिश्चित हो सकती है शशि शर्मा जी? जी जी भैया,
एक बार वापस बोलिए। अगर गांव हाँ के सभी लोग इस अभ्यास में जी रहे हैं कि सबको रिचेस्ट होना है, और गांव के सभी लोग इस बात का अभ्यास करते हुए जी रहे हैं कि हमको अपने परिवार की आवश्यकता को पहचानना है, उससे अधिक सुनिश्चित होकर के समृद्धि के साथ जीना है ना, तो दोनों में से कौन से वाले मान्यता के साथ जीते हुए गांव ज्यादा गांव में हार्मनी सुनिश्चित हो पाएगी? जो सेकंड वाला है कि सभी समृद्धि के भाव से जी जी, पाए। तो जो सहज स्वीकार है, जब भी मुझे अपने भीतर दिखता है एक निश्चितता, एक आश्वस्ति दिखती है, और जब भी मैं उसे कल्पनाशीलता में फैलाता हूँ, अपने में भी हार्मनी होती है। पर अगर उसको बाहर एक्सटेंड करके कल्पनाशीलता में फैला के जांचता हूँ कि अगर सब इस ढंग से जीने लगे तो उनमें हार्मनी होगी या कंट्राडिक्शन होगा, उसको भी मैं देखता हूँ। ये तीन टेस्ट है जिसके आधार पर आप ये जांच सकती हैं कि जिस भी मान्यता को आप जांच रही हैं, है ना, जानने की क्रिया में लेके आ रही हैं, सहज स्वीकृति को देख रही हैं, वो सही है या नहीं। अभी भी मेरी कल्पनाशीलता में कुछ है ऐसी चीजें जहाँ पे मैं अटक रही हूँ। हालांकि आपने जो कहा वो प्रैक्टिस करके देखती हूँ, और अगर फिर भी अटकती हूँ तो मैं आपको कॉल करके और चर्चा फिर पूछूंगी। कर जी चर्चा भैया, कर भैया, ये भागीदारी से लेकर मेरा एक सवाल था कि जो मेरा जो जीना चल रहा है, जैसे मैं अपने घर में, अपने कॉलेज में अगर देखूं, तो घर में जो मेरी अभी कुछ फाइनेंशियल कुछ हेल्प करना जरूरत जो है अपने घर के लिए, इसके लिए जॉब कर रही हूँ, घर में अपने जो लोग हैं बड़े छोटे उनकी तरफ खाने पीने के लेकर कुछ उनकी हेल्थ के अगर कुछ इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पे जितना मुझसे बन सकता है मैं कर रही हूँ अपना, जितनी मुझे करना चाहिए उतना मैं कर रही हूँ। साथ ही कॉलेज में अगर मैं देखूँ तो जो मुझे असाइन टास्क है, जो कुछ सब्जेक्ट कोई लेना है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो मुझे दी गई है, वो सब मैं कर रही हूँ, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी तो कहाँ कहाँ पे मैं भागीदारी कर रही हूँ और किसे मैं कहूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इसमें थोड़ा मुझे समझना है। जी भैया। जी, तो ये जितना भी आपने बताया कॉलेज में और कुछ और लोगों के साथ समाज में, है ना, ये आप कुछ बाहर भागीदारी कर रही हैं, है ना, ये भागीदारी अपने में जानना मानना को ध्यान देते हुए कर रही हैं और ध्यान दिए बगैर कर रही हैं? जी, अभी तो प्रोसेस में है भैया, तो वो भी जी, देखना पड़ेगा कि कहाँ मैं पहली मान रही भागीदारी, पहली भागीदारी तो हमारा अपने सेल्फ के प्रति है कि हूँ। हम अपनी कल्पनाशीलता के प्रति अवेयर हैं कि नहीं, अपनी सहज स्वीकृति के प्रति अवेयर हैं कि नहीं, और जो भी निर्णय हम बाहर कॉलेज में या समाज में लोगों के साथ करने का ले रहे हैं वो मात्र किसी मान्यता या मानना के आधार पर ही ले रहे हैं या जानना कर चुके हैं अपने भीतर, जान करके मानना को निश्चित करके तब ले रहे हैं? तो ये पहली भागीदारी, इसको करते हुए जो बाहर करते हैं चाहे कॉलेज में या बाहर समाज में, तो वैसा करें कोई दूसरा अप्रिशिएट करे ना करे, अगर हम ये पहला जिम्मेदारी जो अपने सेल्फ के प्रति है जानना को सुनिश्चित करते हुए मानना को तय करें ये करते रहते हैं, तो बाहर से अप्रिशिएशन मिले ना मिले, कोई नोटिस करे ना करे, कोई हमारे करने की तारीफ करे ना करे, हमारी हार्मनी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम में हार्मनी बनी रहती है कि हमारा जानना हो चुका है उस संदर्भ में कि क्या सही है, उसी के आधार पर मेरा मानना है, वैसी ही कल्पनाशीलता है मेरी, अब मैं वैसा ही बाहर समाज में और कॉलेज में जी रही, तो ये जो मेरी कल्पनाशीलता जानने के आधार पर सही के अर्थ में चलने लगा वही मेरे सुख का स्रोत हो जाता, अब मैं कुछ एक्टिविटी करके समाज में या कॉलेज में करके लोगों में इस बात का कोई ये बनाने की कोशिश नहीं करती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, औरों को जो है ना इसको नोटिस करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, इस तरह के चीजों से मैं बाहर निकल पाऊं। जी, भैया जो मैंने बताए तो उसको जिम्मेदारी क्यों ना कहे, या ये भागीदारी है? तो जब भी हम अपने भीतर जानने और मानने को देख पाते हैं तो उस अर्थ में हमारी क्या निश्चित भागीदारी है ना, जो भी संबंध है, व्यवस्था है, उसमें हमारी क्या निश्चित भागीदारी है उसको पहचानते हैं,
ना? तो जैसे पहले तो जिम्मेदारी और भागीदारी के अर्थ को समझते हैं, फिर उसको ठीक से देख पाएंगे। तो जैसे घर में आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय आपने बच्चे से कहा कि सब्जी ले आओ, वो ले आया। आपने कहा काट दो, वो काट दिया। अब वो भागीदारी कर रहा है उसमें। लेकिन घर में खाना समय से बन के सबको मिल जाए, ये उसने जिम्मेदारी नहीं स्वीकारी। तो वो बाकी कामों से रिलैक्स रहता है, महत्वपूर्ण दूसरे काम उसको नहीं रहते हैं, तो आपके साथ कुछ भागीदारी कर देता है, कभी नहीं भी करता है। लेकिन आपने उसकी जिम्मेदारी स्वीकार रखी है, भले मेड सर्वेंट आके आपका सहयोग कर रही हो, घर का कोई और सदस्य सहयोग कर रहे हो, लेकिन आपने जिम्मेदारी स्वीकार रखा है। भले आप कोई खाना नहीं बना रही है उस दिन, मेड सर्वेंट ही बना रही है, कोई दूसरा व्यक्ति भी बना रही है, लेकिन जिम्मेदारी आपने स्वीकार रखा। उसका अर्थ ये है कि फाइनली घर में खाना बने ये देखना मेरी जिम्मेदारी है। अर्थात अगर कोई बना रहा है तो ठीक है, नहीं बना रहा है तो मुझे खड़े होकर बनाना ही है। घर में खाना बने ही बने इस बात को मुझे सुनिश्चित करना ही है, चाहे मैं करूं या दूसरों के सहयोग से। इस अर्थ में जिस चीजों को हमने एंड टू एंड करने का एक निष्कर्ष अपने भीतर बना लिया है, वो जिम्मेदारी है। उसमें कोई कोई भाग हम बीच बीच में कर दे रहे हैं, कभी छोड़ दे रहे हैं, है ना, जो भी है ना, ये उसमें भागीदारी है। तो जिम्मेदारी और भागीदारी का पहले तो अगर अपने को वो स्पष्ट होता है, अब जो आप उदाहरण रख रहे हैं उसको आप देख सकते हैं कि आप किसी भाग को ही सिर्फ फोकस किए हैं या वो प्रक्रिया पूरी हो। जैसे देखेंगे तो एक सेमेस्टर आप पढ़ा रहे हैं, तो उस सेमेस्टर की आपने जिम्मेदारी स्वीकार रखी है। तो दूसरा आदमी है ना, आप किसी दिन अब्सेंट हैं, जाए ना जाए, उसमें आपका सहयोग करे ना करे, इतना भर एक तरह का भागीदारी, लेकिन आपने पूरे की जिम्मेदारी स्वीकार रखी है। तो कोई आपको नोटिस करे ना करे, आप उसको पूरा करेंगे ही करें, है ना। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जिम्मेदारी और भागीदारी में, इसको आप देख पा रहे हैं दीदी? हाँ जी भैया, आपसे जो इनपुट मिला इसको और मैं थोड़ा और समझती हूँ, अपने से थोड़ा एग्जाम्पल से रिलेट करके भी देखती हूँ, कल पूछूंगी कुछ रहा तो। जी जी ठीक जी थैंक यू। है। अभी हम लोगों ने जो B1 ब्लॉक को समझने का प्रयास किया, संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व को, अनुभव बोध और क्रिया में जागृत होने का जो हम लोगों ने कोशिश की, तो ये जो चिंतन की क्रिया है जिसमें हम अपनी भागीदारी को है ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो बोध की क्रिया है उसमें पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो अनुभव की क्रिया है उसमें स्पेस और स्पेस में इकाइयां, स्पेस के अस्तित्व में इकाइयां उर्जित हैं, स्वयं में व्यवस्था है, परस्परता में संबंध को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से हम लोगों ने दूसरे मानव, पूरे अनंत इकाइयों का प्रकृति समुच्चय और इस अनंत इकाइयों का प्रकृति समुच्चय जो शून्य के अस्तित्व में उर्जित है, स्वयं में व्यवस्थित है, परस्परता में पहचान रहा है, निर्वाह कर रहा है और पूरा अस्तित्व सजा हुआ है, इस पूरे सजे हुए अस्तित्व को जो समझने का काम कर रहे थे हम लोग, उसको स्लाइड में देखते हैं। तो हम लोग अगर पूरे अस्तित्व में देखें तो मूलतः तो दो तरह की वास्तविकता हम देख पाते हैं, एक इकाई और दूसरा स्पेस। तो दो तरह की वास्तविकता, इकाई सीमित आकार का है, छोटी इकाई हो या बहुत बड़ी इकाई, परमाणु बहुत छोटी इकाई है, पृथ्वी बहुत बड़ी इकाई, लेकिन फिर उसका आकार सीमित है ना। स्पेस को देखें तो स्पेस व्यापक असीम है, कोई भी इकाई है, परमाणु हो, पृथ्वी हो, सूरज हो, सौर मंडल हो, ये क्रिया है, क्रिया हो रही है, ये अपने आप में क्रिया है। स्पेस में अपनी कोई क्रिया नहीं, वो क्रिया शून्य है। जितनी भी इकाइयां हैं शून्य के अस्तित्व में स्वनियंत्रित है, स्पेस में नियंत्रण उपलब्ध है। और ये बात तो हम लोगों ने चर्चा किया है कि इकाइयां शून्य के अस्तित्व में उर्जित भी हैं और परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर। स्पेस को उस अर्थ में साम्य ऊर्जा भी कहा गया, समान रूप से उपलब्ध ऊर्जा, और पारदर्शी भी है। तो अगर हम सूरज की तरफ देखें तो सूरज हमको हमारे में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि बीच में जो ये स्पेस देख रहे हैं अपने और सूरज के बीच में, पारदर्शी। तो ये दोनों वास्तविकताओं को हम ठीक से समझ सकते हैं, अपने भीतर देख सकते हैं, इकाई को भी और शून्य को। तो ये दो ही मूल वास्तविकताएं, इकाई और शून्य। अब इकाई को देखने जाएं तो इकाइयों में भी दो तरह की इकाइयां हैं, एक जड़ इकाई और दूसरी चैतन्य इकाई। जड़ इकाई के जो आधार है पहचानने का,
वो सभी इकाइयां जिसमें सिर्फ और सिर्फ पहचानना निर्वाह करना चल रहा हो, वो सब जड़ इकाई। वो इकाइयां जिसमें पहचानना निर्वाह करने के अलावा भी कुछ चल रहा है, या तो मानना या तो जानना मानना दोनों, ऐसी इकाइयों को हम लोग चैतन्य इकाई कह रहे हैं। जड़ इकाइयों को देखें तो जड़ इकाइयों में दो अवस्थाएं दिखाई देती हैं, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था। पदार्थ अवस्था का सबसे छोटा और व्यवस्थित जो कण है उसको हम लोग परमाणु कह रहे हैं। कई परमाणु, दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिलकर के अणु बना रहे हैं, और कई सारे अणु मिलकर के अणु रचनाएं बना रहे हैं। तो जो भी पत्थर, ग्रह, गोल, कोई पिंड हम देख रहे हैं, इसी तरह की एक अणु रचना है। पूरी पृथ्वी भी एक अणु रचना है, जो चंद्रमा भी एक अणु रचना है, और एक दूसरे तरह की अणु रचना है रस, जैसे फ्लूड है, ये भी एक दूसरे तरह का एक अणु रचना है। तो ये पदार्थ संसार को देखें तो पूरा ऐसे दिखता है सजा हुआ। प्राण अवस्था के संसार को देखें तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम लोग प्राण कोशा कह रहे, सेल कह रहे हैं, और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एक है उसको हम लोग पेड़ पौधे कह रहे हैं। एक दूसरे तरह के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको पशु शरीर कहेंगे। एक तीसरे तरह का मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो इससे भी अधिक कॉम्प्लेक्स है उसको मानव शरीर कह रहे हैं। यहाँ पशु और मानव नहीं कह रहे हैं, बल्कि पशु शरीर और मानव शरीर कह रहे हैं, क्योंकि दोनों के सिर्फ शरीर की बात हो रही है, सेल्फ की बात नहीं हो रही। तो प्राण अवस्था का सबसे छोटा जो इकाई है प्राण कोशा, कई सारे प्राण कोशा मिलकर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको पेड़ कह रहे हैं। कई सारे प्राण कोशा मिलकर एक दूसरा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो इससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उसको पशु शरीर कह रहे हैं। ऐसे ही मानव शरीर, लेकिन ये सभी प्राण अवस्था की इकाई है। और ये जो एक दूसरे तरह की इकाई थी जिसको हम लोगों ने चैतन्य कहा, जो जानने मानने के आधार पर पहचानना निर्वाह करता कह रहा, जब ये चैतन्य इकाई पशु शरीर के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो एक तीसरी अवस्था हमको दिखाई दे रही है जिसको नाम दे रहे हैं जीव अवस्था। और वही चैतन्य इकाई है ना, एक तीसरे तरह की जो दूसरे तरह की जो शरीर स्ट्रक्चर है मानव शरीर, उसके साथ एसोसिएट हो रही है, तो उसको नाम दे रहे हैं ज्ञान अवस्था। लेकिन जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था दोनों में ही चैतन्य भी है और जड़ शरीर भी। तो इस ढंग से देखें तो ये पूरा अस्तित्व हमको सटा हुआ दिखाई देता है। मैं फिर से इसको अगर एक लाइन में कहूँ तो अस्तित्व इकाई और शून्य दोनों के सब का अस्तित्व में, दोनों का अस्तित्व देखते हैं। इकाइयां दो तरह का, जड़ और चेतन। जड़ इकाइयां मूलतः दो तरह की, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था। प्राण अवस्था की जो दो विकसित इकाइयां हैं पशु शरीर और मानव शरीर, वो चैतन्य के साथ एसोसिएट हो पाते हैं एक स्थिति के बाद। जब वो चैतन्य के साथ एसोसिएट हो रहे हैं तो दो और अवस्थाएं अस्तित्व में प्रकट हो रही हैं, उनका प्रकटन हो रहा है, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो इस तरह से ये चारों अवस्थाओं का अस्तित्व में प्रकटन होता है। तो प्रकटन क्रम में पदार्थ अवस्था का प्रकटन है ही, थोड़ा और विकास होता है तो प्राण अवस्था चैतन्य है ही। जब चैतन्य विकसित दो इकाइयों के साथ है ना, विकास क्रम में जो दो विकसित इकाइयां क्या कहते हैं पशु शरीर और मानव शरीर, उनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो दो और अवस्थाओं का प्रकटन हो रहा है, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो पूरे अस्तित्व को देखें तो दो तरह की वास्तविकता, या और नीचे उतर के कहें तो तीन तरह का, स्पेस और दो तरह की इकाइयां, ये उनके मूल में। और मूल में जाके देखें तो स्पेस और इकाइयां, और फिर उसके साथ ये अनंत तरह की इकाइयां जो चार अवस्थाओं में प्रकट। उसी में देखें तो चैतन्य को हम लोगों ने और गहरे से समझने का काम किया। उसका जो मूल कारण है, इतना हम लोग समय चैतन्य पर क्यों लगा रहे हैं, अगर पूरे पदार्थ अवस्था को देखें तो अपने आप में व्यवस्थित दिखता है, प्राण अवस्था भी व्यवस्थित दिखता है। तो ये जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में जिसको हम लोग चैतन्य का अध्ययन कर रहे हैं, स्पेशली हम अपने चैतन्य में अगर देखें, मानव के में जो चैतन्य हम अपने में देखें, तो सीधे सीधे देख सकते हैं कि हमारी कल्पनाशीलता में
हमेशा व्यवस्था ही चले, ये जरूरी नहीं, व्यवस्था भी चल रही है, अव्यवस्थित भी होकर चल रही है ना। हारमनी में भी है, डिसहारमनी। तो हमारे भीतर कुछ अभी विकास का काम उसको समझना है, सहज स्वीकृति पर ध्यान देना है। जितना जितना हम उसको ध्यान दे पाते हैं, हम भी कल्पनाशीलता को उस अर्थ में व्यवस्थित कर पाते हैं और हमारा सेल्फ भी व्यवस्थित हो पाता है। तो पूरे अस्तित्व में जो जो व्यवस्था का क्रम है वो पूरा हो पाता है, सज पाता है। तो इस तरह से हमें चैतन्य को भी समझने की आवश्यकता है और पूरे अस्तित्व पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर तो दोनों को अपने भीतर जोड़ करके देखने की जरूरत है कि चैतन्य में मैं कब स्पेस को समझने के लिए ध्यान दे रहा हूँ, कब इकाइयों को, इकाइयों में भी कब जड़ को, कब चैतन्य को, कब चारों अवस्थाओं को, कब उनके स्वभाव को, कब उनके धर्म को, कब परम धर्म को। ये सारी चीजों को हम अपने भीतर एक एक करके रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे अस्तित्व को समझने का अपने भीतर प्रयास कर सकते हैं। तो अगले 2-3 मिनट मैं अपने तरफ से कोई बात नहीं रखूंगा और हम अपने में थोड़ा रिफ्लेक्ट करें पूरे अस्तित्व को। स्पेस है, स्पेस पे इकाइयां है, अनंत इकाइयां है, उसमें से पृथ्वी एक है, चंद्रमा भी है, सूरज भी है। ऐसी अनंत इकाइयों का जो समुच्चय है जिसको सौर मंडल, आकाश गंगा बोल रहे हैं, ऐसी कई आकाश गंगा है, ये सब स्पेस में है और ये सब उसमें ऊर्जित है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। परमाणु में भी हो रहा है, पूरी पृथ्वी में भी हो रहा है, पूरे सौर मंडल में भी हो रहा है, पूरे आकाश गंगा में, पूरे अस्तित्व में हो रहा है। अस्तित्व की हर इकाई सेल्फ से लेकर जड़ इकाइयां तक शून्य में, स्पेस में ऊर्जित है, स्वयं में व्यवस्थित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। उस क्रम में ये पूरा अस्तित्व सजा हुआ है। उसमें जो ये जड़ इकाइयां हैं उनसे बना हुआ जितना भी संसार है वो साइक्लिक, पानी है, एक समय के बाद वाष्प होकर बादल बन जाता है, फिर पानी बरस जाता है, कहीं बर्फ बन जाता है, फिर पानी बन जाता है। तो जड़ संसार का अपना एक चक्र है, जड़ संसार में प्राण अवस्था का भी अपना एक चक्र है, फिर प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था में भी एक चक्र चल रहा है। पेड़ काट देते हैं, पदार्थ में बदल जाता है, फिर वो सड़ जाता है, मिट्टी बन जाता है, मिट्टी में उसके जो पोषक तत्व गए वापस पेड़ की जड़ों में चले जाते हैं, फिर नए पत्ते बनते हैं, नई टहनिया बनती है, नई डालियां बनती है। तो इनका भी एक साइकिल चल रहा है। तो जड़ संसार में पदार्थ अवस्था हो, प्राण अवस्था हो, तो साइकिलिक है। तो जो चीज साइकिलिक है ना, वो तो कितना भी सजा ले थोड़े समय बाद है ना विरचित हो ही जाता है। तो रचना विरचना उसमें चलता ही रहता है। इसलिए जो कुछ भी परिवर्तन हम उसमें कर रहे हैं वो कुछ समय ही रहता है, बाद में फिर वो बदल जाता है। इसलिए जो परिवर्तन हो रहा है उसमें एक निश्चित कालखंड में, उसको कह रहे हैं कि वो साइकिलिक है, परिवर्तन हो ही जाएगा। चाहे जितना भी सजा लें रोड को, जितना भी सजा लें घर को, जितना भी सजा लें अन्य यंत्रों को, तो कह रहे हैं कि वो विकास नहीं है, वो तो मात्र कुछ परिवर्तन कर रहे हैं जो अस्थायी है। लेकिन अपने सेल्फ में कल्पनाशीलता को ध्यान देकर, सहज स्वीकृति को देख रहे हैं, जितना हम इस सहज स्वीकृति के प्रति स्पष्ट हो जाते हैं वो स्पष्टता हमारे भीतर बनी ही रहती है। वहां पर अब वापस कंफ्यूज नहीं होते, वहां एक निश्चितता है, एक स्थिरता है। जितना आज समझ लिया है वो आगे के लिए बेस वर्क हो जाता है। तो वहां एक साइक्लिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक लीनियर प्रक्रिया है। तो वहां विकास है, वहां विकास संभव है। जहाँ साइक्लिक है, जहाँ रचना हो जा रही, विरचना हो जा रही, वहां तो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं जो थोड़े समय बने रह रहे, तो विकास नहीं कह रहे। तो इस पूरे अस्तित्व को, इस पूरे को, पूरा अस्तित्व है जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की है। अगले 1 से 2 मिनट में अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं दूंगा, तो इस पूरे को अपने भीतर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। इस पर यदि किसी का कोई इमिडिएट कोई प्रश्न है, एक तो प्रश्न ले सकता हूँ, अन्यथा इसको आज दिन भर अपने भीतर रिफ्लेक्ट करेंगे और कल फिर हम लोग उस पर जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है और प्रश्न है उस पर बात करेंगे। अगर इमीडिएट किसी का कोई इस पर रिफ्लेक्शन है तो किसी एक फोटो का रिफ्लेक्शन दे देते हैं।
रविकांत जी का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते रविकांत। भैया बस ये पूछना था, जैसे कि हम जब परम धर्म की बात करते तो व्यापक की ही बात करेंगे, जी, तो व्यापक में इकाइयां उर्जित है ना? हाँ मतलब पूरा। है, व्यवस्थित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर, तो उसमें धर्म जी। है। इकाइयां शून्य के अस्तित्व में है, तो अस्तित्व पर ध्यान। मतलब व्यापक में सभी इकाइयां संपृक्त है और ये जो सह अस्तित्व है उस पर ध्यान जाना, यानी इसको हम परम धर्म कहेंगे। अस्तित्व को ही एक तरह से, एक और शब्द से कह रहे हैं, संपृक्त। पंकज कुमार जी, जी फिर से नमस्ते भैया। मेरी जिज्ञासा है कि ये जो विकास की बात करते हैं तो विकास सिर्फ चैतन्य में होता है या फिर जड़ में भी होता है? जड़ में जिसको अभी विकास हम लोग कह रहे हैं, वो एक तरह का जड़ के में हमने परिवर्तन किया है ना, लेकिन वो थोड़े समय में फिर साइक्लिक रूप से विरचित हो जाता है ना, जी क्योंकि उसमें जी साइक्लिक नेचर है। तो जो भी हमने उसके में बदलाव किया, वो एक तरह का परिवर्तन है, विकास नहीं है, जो थोड़े समय बाद खुद वापस बिगड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन सेल्फ में जो समझने का काम कर रहे हैं, जो निश्चितता स्थिरता को B1 ब्लॉक में एक्टिवेट होने का काम कर रहे हैं, उसमें जो भी हमको समझ में आ जाता है, वो फिर साइक्लिक नहीं है कि वो फिर वापस बिगड़ जाए, अच्छा वो लीनियर जी है, इसलिए उसको विकास कह रहे हैं। यहाँ हम लोग इसको विकास नहीं कह रहे, ये अपने आप में एक तरह का परिवर्तन है जो हम करा रहे हैं फोर्सफुली, या जैसे भी कर रहे हैं, जो थोड़े समय बाद वापस फिर बिगड़ जाए। जी भैया स्पष्ट हुआ, आभार भैया, नमस्ते। मानु भैया, हम इसमें जुड़े हुए हैं 2022 में से, तो बहुत सारा तो डेवलपमेंट चेंज हुआ है हमें, तो एक बहुत प्रॉब्लम है मेरा, वो आई हैव शेयर दिस प्रॉब्लम अर्लियर, आपसे तो कभी बात नहीं हुआ, लेकिन आपका नाम तो बहुत सुना है ये प्लेटफॉर्म में, तो अभी तो टाइम है नहीं, तो भैया हम ना एक पर्सनल प्रॉब्लम है वो रिलेटेड टू माई वाइफ, ये लोग जानते हैं इसमें बहुत शेयर किया है, उनका ना मूड चेंज होते रहता है, तो इधर ज्वाइन करने के बाद हम तो बहुत अपना आपको बहुत समझ रहे हैं एक्सप्लोरिंग, लेकिन क्या होता है ना एक्सप्लोर करने का बात, एक्सप्लोर तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ना प्रॉब्लम है, तो आपसे एक बार बात हमको करना है, आपका फोन नंबर थोड़ा इसमें शेयर कर दीजिएगा, या शाम में एक दिन हम बोलेंगे इधर सब ये प्लेटफॉर्म में मालूम है सबका, है उनका थोड़ा से प्रॉब्लम है, मतलब समबडी से लाइक साइकियाट्रिक और लाइक दैट, ये प्रॉब्लम है बहुत दिन से, आज मोटा मोटी 30 साल, 30 इयर्स, तो आई हैव बीन शी हैज आल्सो सर्व्ड एज ए CBSE स्कूल एज ए टीचर, इवन टीचर इन चार्ज, लेकिन फिर भी ये थोड़ा प्रॉब्लम आजकल थोड़ा सा और ज्यादा लग रहा, कभी एक डेढ़ महीना बहुत अच्छी रहती है, एकदम फर्स्ट क्लास बहुत अच्छी, फिर वो उसका मूड चेंज हो जाए, तो उस टाइम में उसका क्या प्रॉब्लम क्या है, डाउट होता है, जेलस होता है, और बहुत चिड़चिड़ा एकदम, मन में कोई बात नहीं कर सकता है, भयानक ऑब्स्टिनेट के कैरेक्टर कैसे होता है, तो थोड़ा बहुत आपसे हम ये सबसे बात किए हैं, आप कुमार भैया भी जा जानते हैं, शोरबुला दीदी अभी क्या ना हम छटपट रहे हैं, इसीलिए हमको सब कुछ और दूसरा लोग भी हमको ये दे देता है, जो आप दिखाता नहीं है, लेकिन हम साइकेटिस्ट थोड़ा बहुत डरते हैं, कोई कुछ बोलता है जो और फिर इससे बढ़ जाता है, तो और मुश्किल ही मेरा दौर है, तो इसमें थोड़ा से अगर कुछ आपसे सजेशन अगर कुछ मिलता है तो हम देखेंगे, उसके बाद डॉक्टर देखा ना ये सब बारे में लेके गया था दो दो तीन बार, लेकिन अल्टीमेटली दवाई भी नहीं खिलाया, तो डॉक्टर से और कोई हमको बोला था अगर मैनेजेबल है तो आप मैनेज कीजिए सबसे अच्छा है, तो करते हैं इतना दिन तो चल रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है जे हमको कुछ अच्छा से कुछ करना पड़ेगा, ये बात है भैया, मेरा कभी कभी दुख होता है मेरा मिसेस को देख के भी, जे बहुत अच्छी है तो अच्छी है, सबसे अच्छी है, सब लोग नाम करती है, फिर जब गड़बड़ा जाती है तो मुश्किल हो जाता है, सब लोग एकदम डरती है उसको, ये सब ये बात है, बहुत सारा है भैया, टाइम तो हो गया है, थोड़ा बहुत आपका नंबर शेयर कर जी, दीजिए। नंबर प्रिया दीदी से।